प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा की दयनीय हालत पर पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता शांता कुमार ने दुख जताया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा ने कहा कि शांता कुमार पूर्व प्रधानमंत्री की यह दुर्दशा देखकर काफी दुखी हुए हैं और उन्होंने फैसला लिया है कि वह प्रशासन को प्रतिमा की स्थिति में सुधार के लिए 1,00,000 रुपए का चेक देंगे व अधिक रुपयों की जरूरत पड़ी तो वह भी जरूर पूरी करेंगे। आज इसी कड़ी में पूर्व विधायक प्रवीण शर्मा ने पालमपुर के SDM को एक पत्र व 1,00,000 रुपए की धनराशि भी दी है व आग्रह किया है कि प्रतिमा की स्थिति को जल्द ही सुधारा जाएगा। पालमपुर शहर के बीच में स्थापित भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो प्रतिमा लगी है उसकी वर्तमान में दुर्दशा को देखकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माता परम श्रद्धे श्री शांता कुमार जी बहुत व्यथित व आहत है। इस प्रतिमा की इस हालत को देखकर आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने माननीय उपमंडल अधिकारी पालमपुर को ये पत्र लिखा है और इस पत्र को पहुंचाने के लिए उपमंडल अधिकारी तक मुझे अधिकृत किया है। ये पत्र है और इसी के बीच श्री शांता कुमार जी ने 1,00,000 का चेक भी संलग्न किया है और उपमंडल अधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि इस शीघ्र इस प्रतिमा का जीर्णोद्धार किया जाए, इसको संवारा जाए और ये पैसा कम पड़ जाएगा तो वो और पैसा भी इस प्रतिमा के जीर्णोद्धार के लिए देंगे। अभी मैं ये पत्र उपमंडल अधिकारी जी की सेवा में देने जा रहा हूँ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से शालिका ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।